के न्यूज खबरों का सारथी। चुनावी यात्रा आ चुकी है कानपुर की सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र। इस विधानसभा की अगर बात की जाए तो लगभग 25 सालों से सोलंकी परिवार यानी सपा का कब्जा। कई बार भाजपा के नेता प्रत्याशी बदल बदल कर आए जरूर, विधानसभा चेंज कर दी। यहाँ से हारे हुए प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को आर नगर भेजा गया और आर नगर से हारे प्रत्याशी आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं अब जा देखेंगे क्योंकि भीड़ आ गई है। पहले तो भाई लोगों से बात कर लेंगे। क्या नाम है भैया आपका? संजय। संजय जी कहाँ के रहने वाले? अफीम गोटी। विधानसभा सीसामऊ ही है। क्या लग रहा है आपकी? भैया हम तो यार क्या बताएं हम। अच्छा बताओ, हम लोग शादी में आए हैं। अरे शादी फिलहाल तो मताल भाई, चाहे क्या नाम, चाहे अखिलेश हो चाहे मोदी हो, भैया कमाना अपना खाना अपना, उनको भोले में कोई दिया नहीं जाएगा। बात है भाई, हम देते नहीं भाई किसी को। हम देते हैं। किसको देते हो? कमल। ये कौन सा कमल है? ये ठेंगा है, वैसे कमल है अपना। दूसरी बार कमल 100%। अच्छा हाँ, कन्फर्म है। बिल्कुल। क्या भैया, क्या बीजेपी वाले घेर लिए हैं क्या? सिद्धार्थ भाई थोड़ा चलते रहो, बहुत बीजेपी के लोग हैं, परेशान हो जाओगे। देखो गमछा हमचा टांगे क्यों दोस्त, बीजेपी बिल्कुल एक ही नाम है। अरे आम पब्लिक आप नहीं उठेंगे? आप आम पब्लिक, हमें लगा आप साथ में। हम आपके पास यहाँ पर खड़े हुए जा रहे थे, मैं देख नहीं पाया। नहीं नहीं आप आम पब्लिक से भी तो पूछिए, केवल बीजेपी वालों से थोड़ा ना पूछिए। नहीं हम आपसे पूछेंगे, आप जिसको इशारा करेंगे नहीं पूछेंगे। क्या नाम है? क्या पूछना चाहते हैं? क्या पूछना चाहते हैं आप? आपके दिल में क्या है, जनता के दिल में क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। देखिए जनता साल से विधायक ला बताइए। एक सेकेंड, क्या कह रहे हैं आप? 101% ये सीट सीसामऊ विधानसभा से इस बार। आप भी उम्मीदवार थे? नहीं नहीं, हम तो उम्मीदवार ऐसे ही थे कि नहीं थे? जबरदस्त उम्मीदवार थे कि नहीं थे? नहीं नहीं, हम उम्मीदवार जब तक निर्णय नहीं था तब तक थे, अब नहीं है। और हम सलील के साथ 101,000% है और ये विधानसभा बिल्कुल 101% जीतेगी। आप बताइए आपके मन में क्या है? सीसामऊ के क्षेत्र की जनता जो आज विगत 10 साल से इरफान सोलंकी यहां पर विधायक हैं, लेकिन इरफान सोलंकी ने काम अपना कहीं पर भी नहीं है। मैं आपको सीसामऊ क्षेत्र की वो गलियां दिखा रहा हूं जहां पर नालियां बजबजा रही हैं, जहां पर टूटी सड़कें हैं, शौचालय जो पुराने बने हैं जर्जर हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कोई काम नहीं किया। सही बात। इस क्षेत्र में जो रहने वाले पार्क हैं, उन पार्कों की दुर्दशा है, वो रहते जाजमऊ में हैं। हमको कोई काम कराना होगा, गरीब आदमी जाजमऊ में उनका घर ही नहीं जान पाएगा कि कहां पर रहते हैं वो। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा है, एक प्रत्याशी आ जाए। अखिलेश यादव जी आए थे प्रेजेंट टाइम पे, जहाँ पे अखिलेश यादव जी आए थे वो रोड पे, मैं आपको चलिए दिखा दूँ कितने बड़े बड़े खड्डे हैं, बगल में नाला बह रहा है, वो इरफान सोलंकी दिख ही नहीं 25 साल से। एक सवाल का जवाब दोगे? जी जी बताइए। 18 तारीख सबको याद है? नहीं, इसके अलावा बहुत बार आई महीने में डिप्टी सीएम, नाम नहीं हमें, केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने हर बार ये कहा कि 18 तारीख को गड्ढा मुक्त प्रदेश। ठीक है। अभी नहीं है, अब 18 आ गए, अब तो फरवरी आ गई। लोकल में जो विधायक होगा, मैं जवाब दे दूं उसका, मैं जवाब देना चाहता हूँ। देखिए जब उन्होंने गड्ढा मुक्त प्रदेश कहा था तो गड्ढा मुक्त प्रदेश हुआ था, लेकिन सड़कों का जो जाल है आप भी जानते हैं, इधर हर 5 साल में वो कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई 5 साल हुए है ना यूपी सरकार। आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो?
क्या चाहते हो कि केवल एक ही जगह गड्ढा होगा, वहाँ पर अन्य भी जगह गड्ढे होंगे। कभी यहाँ पर ललिम पार्क पर भी गड्ढा हुआ था, आज चौराहे पर वहाँ पर गड्ढा हो गया है। अगर यहाँ का गड्ढा भर गया तो अब वहाँ का भी गड्ढा भरा जाएगा। कैसा जवाब? ये कैसा जवाब? इसका क्या नहीं, इसका इसका जवाब, इसका जवाब ये है कि विकास नहीं, कि विकास गड्ढे नहीं भरे, विकास निरंतर होगा, गड्ढे नहीं भरे, विकास निरंतर होगा। अगर यहाँ पर अगर गड्ढे भरे जा सकता है, अगर आज यहाँ गड्ढे भरे जा सकते, वहाँ का भी गड्ढा भरा, गड्ढे भरे जा सकते, सब गड्ढे भरे जाएंगे। हुआ कैसे ना? विकास तो हुआ ही है भैया, विकास लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास हुआ है। और भाई सर, अगर हमारा विधायक जो माननीय हमारा क्षेत्र का विधायक था, उसको कम से कम अपनी आँख खोल करके क्षेत्र जनता के इस पास चला जाता है, इधर उसको खुद दिख जाता है इधर इतनी वो कभी भी। दूसरी बात, मैं बहुत बड़ी है, जो सबसे बड़ा मुद्दा सीसामऊ विधानसभा का है, मैं एक बात इरफान सोलंकी से पूछना चाहता हूँ, किस पटल पर उन्होंने बरखंडेश्वर मंदिर के लिए 50 लाख रुपए मांगे, ये मुझे वो जवाब दे दे। ठीक है, जनता को झूठ बरगलाने के लिए बताया रहे हैं कि मैंने बरखंडेश्वर मंदिर के लिए मैं 50 लाख रुपए लाया, जबकि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने 47 लाख रुपए ठीक है दिए हैं, ना कि इधर इरफान सोलंकी ने लाया। इसलिए झूठ मत बोले, ठीक है, सच बोले। वो झूठ बोल करके अपने पिताजी की धरती, अपने पिताजी की कर्मभूमि को गंदा करने का काम। आज हाँ, एक बड़ी सी बात है कि 25 साल से 2 साल उनके फादर हो गए, 2 साल उनके, 2 बार उनके फादर बने और 3 साल से इरफान सोलंकी बने हुए हैं। आज 25 साल से यहाँ सीसामऊ में विधानसभा में उनका कार्यकाल चल रहा है, एक भी उनका कोई कार्यालय अगर सीसामऊ विधानसभा के अंदर हो तो आप बता दें भाई साहब, जो भी काम करवाना होता है या तो जजमोह जाएं या तो फिर लाटूस रोड जाएं। तो ये रोड की पेशबाग ठीक है ना, या तो यहाँ जाए। अरे क्या सीसामऊ के लोग इतने गंदे हैं कि हम लोग यहाँ ऑफिस भी नहीं बन सकता उनका? अच्छा एक बात, आपका नाम क्या है? नवीन निगम। नवीन निगम, नवीन निगम, हाँ। नवीन जी, भाजपा के 25 सालों में कितने प्रत्याशी आए? बहुत आए। क्यों? क्यों क्या? क्यों? अरे कोई जिताऊ कैंडिडेट नहीं मिला आपको? नहीं, कोई नहीं मिला? मिला? कहाँ मिला? क्यों नहीं मिला? क्यों? पिछली बार सुरेश अवस्थी जी थे। कहाँ थे? क्यों नहीं थे? भेज दिया, अगर इतने चिर लड़े थे तो यहाँ से लड़ाते। तो भाई साहब देखिए, यहाँ गुड संगठन का जो निर्देश है, ये पार्टी का नहीं, संगठन का काम है। जो संगठन निर्देश करेगा वो काम करेंगे, हम लोग किसी पार्टी से नहीं, हम लोग सीधे संगठन से काम करते हैं। अच्छा, सुरेश अवस्थी के चुनाव में ये था कि संगठन के लोगों ने उनको हरवा दिया, ऐसा कहा? नहीं, ऐसा किसने कहा? ये एक ह्यूमर है, ये किसी ने नहीं कहा है। ऐसा नहीं है, ये सब ये किसी ने नहीं कहा है, ये भी पच्चीस, ये एक ह्यूमर है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में फूट डाले, अगर कोई कार्यकर्ता सिर्फ एक और एक ही नारा जानता है, वो है कमल निशान। पिछले साल हमारा जो सुरेश अवस्थी चुनाव लड़ाया गया था, उसमें जो बसपा का प्रत्याशी था, और सबसे बड़ी बात, जो कांग्रेस और सपा था वो एक था। आज हमारा जो वोटर है वो जानता है कि कहाँ उसको जाना है। आज योगी जी की जो योजनाएं है, उसमें उज्ज्वला योजना है, आपकी बिजली योजना है। बिजली की योजना कौन सी? देखिए, बिजली में उन्होंने घर घर मीटर लगवाए हैं, और मीटरों में जो भी कनेक्शन आए हैं उसके बिल भी माफ किए हैं उन्होंने। कब? गांव में 16 घंटे बिजली रेगुलर आई है भाई साहब, मेरा वहां फार्म हाउस है, मेरे यहां आई है रेगुलर। देखिए ये जो 16 घंटे बिजली, और देखिए पिछली बार सपा और बसपा ने गठबंधन बन के ये खेला था, लेकिन अब की वो खेला नहीं, अब की उनके लिए उल्टा खदेड़ा हो गया, खदेड़ा उनके लिए हो गया। चलिए विधायक को हटा देते हैं, अभी विधायक को हम लोग हटा देते, हटा दे, हटा दिया विधायक को, हटा देना ही विधानसभा से। हाँ हाँ बिल्कुल, जो आप चाह रहे हो वो कर लेना, लेकिन अभी इस चर्चा से मैं कह रहा हूँ। चलिए, यहाँ का सभासद कौन है? यहाँ के अपने महेंद्र दद्दा। क्या है वो महेंद्र दद्दा? किस पार्टी के? बीजेपी के। उपनेता भी रहे हैं सदन, नेता के सदन। अब कुछ हुआ हो तो महापौर किसकी है? बीजेपी के। सांसद किसका है? बीजेपी का। देश का होता है दोस्तों, वो संवैधानिक, वो देश का। हाँ, लेकिन राष्ट्रपति कहाँ का होता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति देश का होता है, राष्ट्रपति देश का होता है, हमने कहा वो भी बीजेपी का ही, लेकिन वो आपने मान लिया ना? हाँ, हमें बात ही नहीं करनी, अब आपसे बात ही नहीं। ठीक है, दो मंत्री शहर के, थोड़ा दूर हो जाओगे तो हम थोड़ा जाएंगे। दो मंत्री, एक राज्य मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री। सिद्धार्थ भाई सही कह रहे हैं ना, एक राज्य मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री।
ये काम कर रहे हैं। हाँ, काम कर रहे हैं। सीसा मऊ के लिए कितना कर दिया? हाँ, कैबिनेट मंत्री तो हर जगह के लिए है। हम सब बातों पे राजी हैं, सब सही आप कह रहे हैं, लेकिन जब अपना पार्षद अपना विधायक नहीं है। बस हमें यही सुना था, पार्षद आपकी पार्टी का था। अब चाचा, अब चाचा आप बताओ क्या नाम है? राम कुमार सिंह। मीडिया में आपको काम क्यों करूं? राम कुमार सिंह नाम है मेरा। क्या लग रहा चाचा? देखिए आज जो माहौल है उसके हिसाब से तो उनके मुस्लिम जो प्रत्याशी हैं दो हैं, तो संभावना बन रही है कि इस बार शायद हमारा प्रत्याशी सलील बिश्नोई जीत सकते हैं। मेरा पार्षद कहता है कि बाकी वोट नहीं दिया, मैं आपका काम क्यों करूं? तो पार्षद तो अभी आप बता रहे हो, मैं कर रहा है। नहीं नहीं, एक विधानसभा में एक विधानसभा में 12 पार्षद है। एक विधानसभा में 12 पार्षद है। महेंद्र दद्दा हमारे लिए है। एक विधानसभा, कोई कन्फ्यूजन नहीं। ना ना ना, विधानसभा में 12 पार्षद का काम है कानून बनाना। इधर हमारे विधायक का काम है, वो कौन सा कानून बनाएंगे ये हम लोग जान रहे हैं। इसीलिए हम कौन सा कानून बनाएंगे? वो जो भी कानून, कौन सा कानून? वो जो कानून बनाएंगे। एक विधायक कौन सा कानून बना लेगा? ये वही लोग हैं ठीक है, जो राम भक्तों के हत्यारे हैं, ठीक है। ये वही लोग हैं जब कांग्रेस ने कहा था कि राम काल्पनिक है तो चोर चोर मौसेरे भाई। इन्हीं मुद्दों पे चुनाव होगा, ठीक है? कभी रोटी कपड़ा रोजगार पे चुनाव नहीं होगा। रोटी कपड़ा रोजगार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों के लिए काम हुआ है, ठीक है। आज योगी आज डिबेटी बदल दी आपने, कहा मुझे पार्षद ही नहीं कर रहा भाई। इनका इनके यहाँ का कांग्रेस करना। देखिए चुनाव हम बता रहे, चुनाव देखिए किस विषयों पर होगा। किसी ने नहीं किया भैया। चुनाव किन विषयों पर होगा? चुनाव इन विषयों पर होगा कि हमारी बहन बेटियों को मंचलों से सुरक्षा। चुनाव इन विषयों पर होगा कि गुंडा राज से उत्तर प्रदेश को मुक्ति। जो अब ये बात करते हैं कि यूपी में काबा, उनके लिए बताना चाहता हूँ कि यूपी में इस बार साइकिल पूरी तरीके पंचर बा, हाथी गिरे दड़ाम बा, और यूपी में सिर्फ बाबा का भोकाल बा। एक बात और अखिलेश यादव जी कहते हैं कि 22 में बाइसाइकिल, सही कह रहे हैं, 22 में बाइसाइकिल। एक उनका प्रश्न और था कि यूपी में योगी आदित्यनाथ जी को लैपटॉप चलाना नहीं आता। अगर योगी आदित्यनाथ जी को क्या क्या चलाना आता है ये अपराधियों और गुंडे माफियाओं से पूछिए जाके। अब आपका जो प्रश्न हो वो बताइए। बुलडोजर भी चलाते हैं। बुलडोजर चला लेते हैं। गुंडे माफियाओं को अगर उनके सही जगह किसी ने पहुंचाया है तो योगी आदित्यनाथ पर कुछ महाराज जी ने पहुँचाया है। योजनाएं बहुत है, आहार मिल रहा है निःशुल्क, वैक्सीन मिल रही है निःशुल्क। इससे पहले किस वैक्सीन का पैसा दिया था? इससे पहले किस वैक्सीन? जब मैं पैदा हुआ कोरोना बीमारी है, इसमें पैसा नहीं दिया। पोलियो की वैक्सीन देना पड़े भाई, और बीजेपी भगवान न करे किसी को इसके बाद भी देना पड़े। ये भी तो कहिए आप इधर बीजेपी की, तो आप थोड़ी कहे नहीं, ये हम तो कह रहे हैं ना इधर कि भगवान करे इसके बाद भी किसी को वैक्सीन ना देना पड़े। किसी को पीछे क्यों जा रहे हो? आगे आके बात करो ना। ये आगे आओ, इनको आगे कर रहे हो आप, इधर आओ। हमको ना आगे कर। बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ हाँ। कि भगवान ना करे कभी ये दोबारा ये ऐसी बीमारी आए जिसमें लोग ऐसे मरे। भगवान ना करे कभी ऐसी कोई दिक्कत आए कि आदमी को इतनी परेशानी झेलनी पड़े कि वैक्सीन ले इतना पैसा, वैक्सीन के लिए इतना करना पड़े। पहले जो सरकार को सपा की जो सरकार होती थी, तो इस प्रकार जैसे आपने कहा पार्षद, वार्डो की एक सीमाएं होती हैं। इस चौराहे से इस चौराहे तक का क्षेत्र पार्षद। मेरी एक बात सुनो, मैंने पूछा यहाँ का पार्षद कौन, मैंने यही पूछा। भारतीय जनता पार्टी का। मैंने क्या कहा, मेयर कौन? भारतीय जनता पार्टी का। सांसद कौन? भारतीय जनता पार्टी का। दो मंत्री कहाँ के? भारतीय जनता पार्टी। अगर एक विधायक इतने लोगों को रोक लेता, मेरा सवाल इतना है बस। मैं किसी देखिए विधायक कहते को रोक लेगा? आप सब लोग बता दो, मैं सबकी बातें सुन रहा हूँ। क्या एक विधायक इतने लोगों को रोक सकता है? एक बार सब लोग बता दो। एक विधायक अपने क्षेत्र को बर्बाद कर सकता है? कैसे कर सकता है? यही तो जिस तरीके सपा के विधायक ने बर्बाद किया है, जिस तरीके सपा के विधायक ने आज 25 सालों से सीसामऊ विधानसभा को बर्बाद किया है। अच्छा, इतनी बार भाजपा के प्रत्याशी आए, जीत क्यों नहीं पाए? ये भाजपा के प्रत्याशी क्यों नहीं जीत पाए? सपा और कांग्रेस का गठबंधन, सपा कांग्रेस का गठबंधन हुआ, सपा बसपा का गठबंधन उससे पहले क्या बता तो है। सपा बसपा का गठबंधन लोकसभा में हुआ था, लोकसभा में हुआ, लोकसभा में गठबंधन करके भी तो नहीं निकल पाए।
यार कैसे ध्रुवीकरण हो गया, इतनी बार यहाँ का लोकल नेता आया, अब तो दूर से ये भी ले आए हैं। भाई लाना ही पड़ेगा ना हमको जीतने के लिए। यहाँ का नहीं है क्या कोई? नहीं, दूर से क्यों? यहाँ सलीम जी दूर से कहाँ है? सलीम जी दूर से कहाँ है? हमारे सामने वाली पलटी से थे, पट्टी से इधर आए हैं, दूर से कहाँ है? कौन सा दूर से? कहाँ दूर से है? सलीम जी दूर से कहाँ है? और जो ये चुनाव में, अरे एक सेकंड, तो योगी जी गोरखपुर गोरखपुर के तो सांसद थे, गोरखपुर के सांसद थे, इसलिए चले गए। वो पापा की गोदी में लेने आऊंगा। अखिलेश यादव साधक कवहल से नामांकन कराने के बाद प्रमाण पत्र लेने आऊंगा। तीन बार अखिलेश गए कवहल में, कवहल में क्यों प्रॉब्लम है? उनको अपनी सीट आज के लिए हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं, एक नकाब का मुद्दा चल रहा है। क्या मुद्दा है कि वो पहन के स्कूल जाएं? आप ये बताओ। ये देखो स्वच्छ भारत अभियान जा रखे है भैया। रुक 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 रुक, कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? गहरी चौकी है, ऐसे कैसे जा रहे हो उसमें बैठ के जा रहे हैं? एक सेकंड रुको, है क्या? अरे यार भैया, हमारे यहाँ दर्शनपुरवा क्षेत्र में, हाँ कानपुर से इसी तरीके, एक सेकंड अब रुको, इसी तरीके रात दिन सफाई अभियान का काम करा रही है। वाह वाह, चलिए आप रुके, यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, फिर गंदगी की बात करेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहाँ। जहाँ जाए रिश्ता बढ़ाए गोल्डी मसाले। खुदी को आजमाया जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल। बात अयोध्या मथुरा काशी की होगी तो बात बेरोजगारी भ्रष्टाचार और महंगाई की भी होगी। क्या एक बार फिर से यूपी में योगी बनेंगे उपयोगी? क्या अखिलेश की साइकिल कर पाएगी कमाल? बहन जी की हाथी क्या बनेगी सत्ता की साथी? प्रियंका की मेहनत क्या यूपी में होगी सफल? उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर होगी के न्यूज की पैनी नजर, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का ब्रेक के बाद आपका स्वागत है के न्यूज़ की चुनावी यात्रा में। शीशा मऊ आ गए थे। अच्छा एक चीज बताना, अब थोड़ा बड़ा गर्मा गए थे, चाचा चले गए, अच्छा हुआ डर गए। नहीं हम पहले चाचा से लेंगे। चाचा क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? बोलिए क्या खाए हो? मसाला खाए हैं। मसाला क्या खाते हो? अरे मसाला क्या खाते हैं? हाँ इंजॉय द सेल्फ करने के लिए, इंजॉय नींद को अब जो होती है उसको सही करने के लिए। अच्छा नींद खराब होती तो सही करने के लिए मसाला खाते। अभी बड़ा गुस्सा रहते जब हम, नहीं गुस्सा नहीं रहते। अखिलेश जी ने यही कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर की वैक्सीन है भाजपा की, वैक्सीन है मोदी जी की, वैक्सीन बनाया है साइंटिस्ट डॉक्टर की, ये अखिलेश बनाते हैं कि अखिलेश के बप्पा बनाते हैं जो वैक्सीन ले ली। और अगर हिंदुस्तान को फ्री वैक्सीन ना दी गई होती तो ये गरीब जनता लाती कहाँ से? हो जाती कोरोना तो अमेरिका रूस जापान वो तो हिल गए हैं, और यहाँ 130 करोड़ तो बताने पड़ेंगे ना हिलने का। अमेरिका रूस जापान हिल गया। योगी है तो यकीन है? अब अखिलेश जी कह रहे हैं इधर आओ चाचा,
अरे इधर इधर, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे हम दौड़े आ रहे हैं, रुको तो। हम आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, आ गए। कहाँ आप बड़ा भाग तो चले आओ, इतना अच्छा खासा हीरो माफी चेहरा, क्या नाम है? अरे हंसो नहीं, कौन है? पहले इनकी बाइट लीजिए आप। नाम बताओ पहले ना, आप नाम आप पहले नाम नाम बताओ। आप प्रश्न पूछो, बता रहे क्या? आप अपना नाम तो बताओ, प्रश्न पूछो ना। अपना नाम बताओ, नाम से लेना देना होता है बीजेपी के? बीजेपी कार्यकर्ता तो आप कट्टर कार्यकर्ता को की मदद लेनी बोलने के लिए? नहीं बता रहे हो, जो आप जो वो नहीं मानता जो वो बता रहे हैं, आप नहीं वो बता नहीं कर रहे थे आपने, तो ना वैक्सीन बता रहे, मैंने कुछ पूछा नहीं, वो जो बता रहे हैं अच्छा बता रहे हैं। गाड़ी को देंगे वो है, जो देखा अपराधियों को गोली से चोट उसी बाबा को हम देंगे वोट। क्या बात है, मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी जो पूर्वांचल के अंदर जिनके नाम पे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव आज बाबा के डर से जेल का गेट से बाहर नहीं आते हैं, अब मुख्तार अंसारी से आदमी, और मैं ये कहना चाहता हूँ पूर्वांचल के जो हरिशंकर तिवारी के पुत्र हैं विनय शंकर तिवारी जो आज बाबा की दहशत है, क्योंकि बाबा की दहशत ये है कि अपराधी जेल से माताएं बहने सुरक्षित हैं। विनय शंकर के ऊपर क्या अपराध है? अपराध उनके पिता के जो बोए हुए थे, आज जो मुख्तार अंसारी हैं, आजम खां हैं, उनके पुत्र हैं। विनय शंकर तिवारी की बात आपने करी ना, हाँ। तो वो किस में जेल में गए? वो जेल नहीं गए, लेकिन अपराध उनके ऊपर भी है। क्या अपराध भाई, तुम्हें जानना चाह रहा है? अपराध क्या? अपराध ये था कि ये माफिया थे, रेलवे के माफिया थे, और कई बार ये इनके मुकदमे भी है गोरखपुर के अंदर, और मुख्तार अंसारी जो जेल के बाहर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब पंजाब से चलेंगे तो बाबा के देश है, और माताएं बहने में सुरक्षित हैं, योगी सरकार में ये है। इससे पहले नहीं सुरक्षित थे? इससे पहले मालूम हुआ कि यहाँ से कोई बच्चा उठता था तो एक मिनट, यहाँ तो बच्चा को उठता था अगर अपहरण होता था इटावा डील होती थी, और उसका शिवपाल यादव और मुलायम सिंह डील करते थे। इतनी अंदर की बात पता कैसे चली? ये अरे यार ये बड़ा एंटीक चाचा मिले, चाचा इतने अंदर की बात लाए कहाँ से? ये लाए कहाँ से? ये मुलायम सिंह यादव कार्यकाल में हुआ है। ये इतनी अंदर की बात पता कैसे चली? करीबी रहे हो मुलायम सिंह के? मुलायम सिंह जो ये सपा सरकार में होता था। अरे यार वहाँ पे गोली मुलायम सिंह चाचा कैमरे लगे, यहाँ से डील होती थी, बनल हुआ डील होती थी। मुख्तार अंसारी जी के जैसे अपराधी सब आजम अखिलेश जी के बात भैया बात है। मुलायम सिंह की सरकार में, मुलायम सिंह की सरकार तो मुलायम सिंह की सरकार खैर नहीं है, अखिलेश की सरकार थी पहले, तो उसमें मुसलमानों को टारगेट बनाया गया। अच्छा, किस विषय में? कि अपराध आप करिए हम दे रहे हैं। दूसरी बात, मुलायम सिंह के किसी परिवार में कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, ठीक है ना, और ना कोई जेल गया। उन्होंने भाजपा की बुराई कर करके अपना बेड़ा गर्क कर लिया। अब यहाँ का मुसलमान जाग गया है कि बाबा के साथ रहना ही सुरक्षित है, ये परिवार हमको पूरा बिल्कुल धरती के अंदर घुसेड़े जा रहा पूरा परिवार, ये आप समझ लीजिए। बिल्कुल सफारी से एक शेरनी बीजेपी एक शेरनी बीजेपी में आई है, वो अपर्णा यादव, अपर्णा यादव तुम लोग यही बीजेपी। पहले मेरी बात, एक बात सुन लो, यादव जी जो आई हुई है अपर्णा यादव जी आई हुई है, हम बोल ले, हम बोल ले भैया जी, अपर्णा बिष्ट यादव, अपर्णा बिष्ट यादव की जिसकी आप बात कर रहे हैं, आज से लगभग 4 साल पहले उनकी पति की गाड़ी पर बीजेपी सवाल उठाती थी, स्वतंत्र देव सिंह, अशोक कटारिया, सब नेता बीजेपी के सवाल उठाते थे। आज आ गए तो आप करो शेरनी, लेकिन आप तो वो कह रहे हैं ना कि मोदी जी के योगी जी के कामों को देख करके मैं प्रभावित हुई हूँ, मैं राष्ट्र की रक्षा के लिए आई हुई हूँ, मैं शेरनी हूँ।
अखिलेश यादव जैसे लोगों को तो बैठाल करके मैं खा जाऊंगी। ये कब कहा? वो खुद कह रहे हैं, वो खुद कह रही है। उन्होंने कहा कि शेर नहीं शिकार करती है, शेर बैठ के खाते हैं। उन्होंने कहा कि शेर नहीं शिकार करती है, शेर बैठ करके खाता है। अपन हमारे आर नगर के विधायक हैं। ये कुछ नई चीज आज बोले हैं। आर नगर के पूरी बात बताना। वो ये कहते हैं भैया सुंदरकांड क्यों करवाया? कह मेरी बीवी सुंदर है, मैं डेली डिमांड करता हूँ। तो ये आप विधायक हैं? आप विधायक हैं? ये विधायक हैं? वाह 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 वाह, क्या आपने कहा? अहमदाबाद में ही। और आज उस चक्कर से उन्होंने अपने घर के बाहर सुंदरकांड करवा रहे हैं। सुंदर उनकी बीवी सुंदर है। कांग्रेस का विधायक क्या कह रहा है? भैया भैया मुख्यमंत्री जेब में। कौन कह रहा? अजय कपूर। अजय कपूर ने कहा भैया अमिताभ वाजपेयी जी ब्राह्मण है, आप समझिए। उन्होंने कहा कि हमारी पत्नी सुंदर है, इसलिए मैं ये कांड करवाता हूँ। आप जिसकी पत्नी सुंदर है वही सुंदर कांड करेगा। भी तो सुंदर है वो। दूसरे हमारे दूसरे की पत्नी जो अपनी पत्नी दूसरे की पत्नी बोलना है। दूसरों की भी सुंदर है। तुम कुछ सुंदर है, लगी है? लगी है कि नहीं? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अरे यार बोल लो, गंगा अभी नहीं। क्या पिया तुमने? कुछ नहीं पिया है, पिया है वो सब कुछ। कुछ नहीं पिया। पार्टी के समर्थक भैया? भाजपा के। ऐसे समर्थक हो भाजपा के? अरे भैया यार ले करा मेडिकल दोस्त। कहाँ का निकल कर रहे थे निकल साहब? भैया अरे इधर आइए। अगर आप साबित कर दो ये लड़का शराब नहीं पिए, आप जो बताओ मैं हट। बनी तो पीने के लिए बनी है। पैसे पी के घूमा जाएगा? कहाँ गए? इधर आओ। आप सोचते बदतमीजी कभी? आपसे बदतमीजी कभी? कभी ना भैया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पीने के लिए तो बनी है भैया। पैसे पीने के लिए बनी है, क्या जाओ रोड है। बदतमीजी तो कर नहीं रहा आपसे। बदतमीजी कर देगा तब। बदतमीजी कर नहीं सकता। आप जिम्मेदारी ले रहे हो बाबा जी का। आप जिम्मेदारी ले रहे हो बाबा जी का। डंडे दे रहे हो आप। बाबा जी का डंडे दे रहे हो। मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे वो शराब पीकर बदतमीजी करेगा, आप जिम्मेदारी लोगे? बाबा जी आप जिम्मेदारी लोगे? आप जिम्मेदारी बात सुनो। आप जिम्मेदारी लोगे? बाबा जी के झंडे का डर है। जिम्मेदारी लेगा निगम साहब? जिम्मेदारी कौन लेगा? हम बता रहे हैं। जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा जिम्मेदारी ये बताए। हम लोग क्षेत्र की जनता की जिम्मेदारी लेंगे, क्षेत्र की जनता की जिम्मेदारी। कोई आगे बढ़े मैं भाजपा का काम करता हूं। सुनिए सुनिए सुनिए, वो भारतीय जनता पार्टी का क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी का समर्थक। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ ये बोल के गया। समर्थक है वो, कार्यकर्ता बोल के समर्थक है। और समर्थक आम जनता होती है, वो समर्थक है। उसने अच्छा आप भी कहने सो गया? वो कह रहा है कैसी बात कर रहे हो? ना 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 ना, समर्थक बातें नहीं कर रहे। ना ना आप डिबेट नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे सर जी। हम बिल्कुल नहीं करेंगे सर, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक एक विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ा है, अब मैं कर ही नहीं। आप आ जाओ भाई। ना 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 हम बात ही नहीं करेंगे। ना 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ना 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 कतई बात नहीं करूंगा। मैं अपने पूरे जीवन में पहली बार मत करने जा रहा हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी के हैसियत से मैं शिक्षा प्रणाली को देखूंगा, जो कि ये किसी ने सरकार कुछ नहीं कर पाया। या तो कल्याण सिंह ने किया और या आज हमारी भाजपा सरकार कर रही है। इसलिए मेरा पहला वोट है मेरे जीवन का जो मैं भाजपा करूंगा। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर मोदी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ना 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 ना, किसके साथ वोट? किसके को? किसके का वोट? भाजपा को। मरता क्या? अकेला हूँ मैं, अकेला हूँ लेकिन भाजपा। तो बिल्कुल बिल्कुल चुनावी यात्रा में बात हुई जहाँ पर इरफान सोलंकी को लोगों ने घेरा है। और अगर बात करें तो सीसामऊ विधानसभा में भी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। हर बार जो कहा जाता था कि बीजेपी बहुत पीछे जा रही, लेकिन इस बार बहुत अच्छी टक्कर देखने को मिलेगी और एक अच्छा चुनाव होगा। फिलहाल के न्यूज की चुनावी यात्रा में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।